नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, आज मैं चाल समय दूरी का पार्ट फोर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले आप से मैं अपेक्षा करता हूँ कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जरूर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने हल करवाए हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है ना। तो हम सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और आज का टॉपिक है रेशियो मेथड। आज का टॉपिक है रेशियो मेथड, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो मेथड से क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, तो उसके बारे में रेशियो मेथड पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें अब देखेंगे कि क्या चीज़ होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर कभी भी आपको चाल का अनुपात दिया हो, क्या कभी भी चाल का अनुपात दिया हो, जैसे हमसे कह दे कि चाल 3:4 कह दे, या मान लीजिए कह दे 2:3 है, 2:3 है, ये चाल का अगर अनुपात दे दिया, ठीक है ना। अगर हमसे समय का अनुपात पूछ दे, तो समय का अनुपात पूछे तुरंत इनका लसर ले लीजिए। 2:3 का लसर कितना होगा? 6, भाग दीजिए, यही तो करते थे। 2 3 6, 3 2 6, मतलब 3:2 किसका समय किसका अनुपात हो गया? समय का अनुपात हो गया। तो समय से चाल का अनुपात निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के, और चाल से समय का अनुपात ले निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि तुरंत हम अनुपात चाल अगर दिया हो, चाल का अनुपात, तो उसका एलसीएम लेकर के, मतलब एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि एलसीएम ले करके तुरंत उससे भाग देंगे। 2 3 6 और 3 2 6, भाग देने पे जो इससे आए वो हमारा क्या हो जाएगा? समय का अनुपात। यानी कि चाल अगर V1:V2 दिया है, तो इसका एलसीएम लेकर के हम T1:T2 निकाल सकते हैं। मतलब चाल का अनुपात दिया है तो उसका एलसीएम लेकर के हम क्या निकाल सकते हैं? समय का अनुपात। अगर समय का अनुपात दिया है तो उसका एलसीएम लेकर के क्या निकाल सकते हैं? चाल का अनुपात। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि चाल इंटू समय बराबर दूरी, एकांक दूरी होती है, तो चाल का अनुपात है। देखिए, समय को अगर ले आएंगे तो बटे में ले आएंगे, और बटे में कोई चीज़ होगा तो हम क्या कर लेंगे? डायरेक्टली इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अब देखिए, आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन की हम बात करते हैं। दो कार है, दो कार ए और बी के चाल का अनुपात, किसका अनुपात? चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में दोनों के समय का अनुपात क्या होगा? तो तुरंत लिख लीजिए, दो कार है ए अनुपात बी, जिनका चाल क्या दे रखा है? 3:4। ये किसका है? ये चाल का अनुपात है, तो चाल कर लीजिए। इनका एलसीएम 3:4 का एलसीएम कितना होगा? 12, भाग दे दीजिए तो किसका अनुपात निकलेगा? समय का, हमने यही तो बताया। तो भाग दीजिए, 3 4 12 और 4 3 12, ये किसका अनुपात निकल गया? समय का अनुपात। इसका आंसर क्या हो गया? दोनों के समय का अनुपात क्या होगा? 4:3। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा है कि दो कार ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है। तुरंत हम लिखेंगे चाल का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 3:4। ये किसका अनुपात है? चाल का। तुरंत पहला हमारा काम है इनका लसर ले लें। लसर लेने क्या होगा? 12, तो 3 4 12 और 4 3 12, ये किसका अनुपात आ गया? समय का अनुपात आ गया। बहुत देखिए, बहुत से जगह पे हमें ये थोड़ा से शॉर्टकट के लिए ये बताया जाएगा कि डायरेक्ट ये जो आए इसको पलट करके लिख लीजिए। ये कब केवल पॉसिबल है पलट के लिखना? जब केवल दो चाल दिया हो। अगर हमें 3 चाल दे देगा, 4 चाल दे देगा, तो वहाँ पर हम पलट के नहीं लिख पाएंगे जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे, क्लियर। तो इसलिए ऑलवेज आप हमेशा क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए, ताकि हमारा पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, मेन मकसद हम लोगों का होता है, पढ़ाई का मेन मकसद यही होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन करें तो वो गलत ना कर पाए। आता तो सभी को है, टाइम का अपने बचत करना है कि मुझे टाइम कितना जल्दी से जल्दी, मतलब बचा करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें समय को अपने बचाना है, क्योंकि कंपटीशन यही कहता है कि हमें समय को बचाना है, ठीक है ना। तो देखिए आ गया, तो समय ए और बी के समय का अनुपात कितना आ गया? 4:3। आगे पढ़िए, निश्चित दूरी को कार ए 60 मिनट में, कार ए जो है 60 मिनट में तय करता है, तो कार बी कितने मिनट में कहेगा? तो तुरंत एक, ए का कितना समय दे रखा है? 60, तो तुरंत ए के बराबर क्या कर दीजिए? 60। 4:60 के, ये बराबर का चिन्ह है, 4:60 के भाग दे दीजिए,
चार एकम चार और 15 चौका 60, देखिए एक के बराबर कितना आया 15, तो 15 को उठा के इसमें क्या कर दीजिए, गुणा 15 तिया 45, यानी कार बी का समय कितना आ गया, तो कार बी का समय कितना आ गया, ये बी का समय कितना आया 45 मिनट। कुछ नहीं किया, देखिए चाल का अनुपात दिया था, एलसीएम लेकर के समय का अनुपात निकाल लिया, ए के बराबर दिया तो ए के बराबर में रख दिया, अगर बी के बराबर में देता तो बी के बराबर में रख देते। क्लियर? तो आप अगला इसका एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि ये चाल ए की जगह हम बी कर दे रहे हैं, बी बराबर 60 है, तो ए की चाल ज्ञात कीजिए, तो ए का समय ज्ञात कीजिए, सॉरी, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा आपको करके लाना है ये इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए हमने जो आपसे बात कर रहे थे वही चीज पॉइंट से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे तीन कार दे रखा है ए बी सी, तुरंत लिखेंगे हम तीन कार ए बी सी के चाल का अनुपात कितना दे रखा है, चाल का अनुपात 3:4:5, 3:4:5, ये किसका अनुपात है, चाल का। इसका क्या ले ले भाई, इसका क्या ले बताइए, एलसीएम। गुड, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 पंजे 60। अब इसको हम भाग देते हो तो किसका अनुपात निकलता है, किसका अनुपात निकलता है, किसका, समय का, किसका अनुपात निकलता है, समय का, बोला करिए भाई आप, देखिए समय का अनुपात। अब इसको भाग देंगे 3 से तो 20 तिहाई 60, 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 5 से देखे तो 12 पंजे 60, ये ए बी सी के क्या आ गया, समय का अनुपात। तुरंत पढ़ लीजिए, यदि कार बी, कौन सी कार बी, कौन सी कार बी, कार बी एक दूरी को 60 मिनट में तय करता है, तो बी के बराबर हम क्या रख दें, हम 60, बताया था ना एक की वैल्यू निकालिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो एक के बराबर 4, 4 को गुणा कर दीजिए, हमसे क्या पूछा है सी, तो सी में गुणा करा दीजिए, 12 का 4 में गुणा, तो 12 चौक 48 मिनट किसका आ गया, कार सी का समय आ गया। तो कार ए का इसी तरीके से एक के बराबर 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो किसका समय आ जाएगा, ए का। तो ए का समय आप बताएंगे, सी का समय हम बता चुके हैं, ए का समय आप बताएंगे। क्लियर? इसको कहते हैं रेशियो मेथड का क्वेश्चन है, क्लियर है, आप अच्छा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में करने से पहले एक बता दें कि रेशियो मेथड हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, और हर जगह पे मतलब उन हर जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे एक दूसरे का हम पीछा कर रहे हो, जैसे चोर सिपाही का पीछा कर रहा हो, ठीक है ना, जो बिल्ली है चूहे का पीछा कर रहा हो, समझ गए ना, इस तरीके से मतलब अगर हम किसी एक का पीछा करते हैं तो हम तुरंत रेशियो मेथड लगा सकते हैं। जब एक चीज ध्यान दीजिए, जब चाल दिया हमेशा किसका अनुपात बनाते हैं, चाल का, हमेशा किसका अनुपात बनाते हैं, हम चाल का हमेशा अनुपात बनाते हैं, ये चीज आपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा चाल का अनुपात बनाते हैं हम। क्लियर? अब चाल का अनुपात बना करके क्या निकालते हैं, समय, ठीक है ना। गुड, अब देखिए दो ट्रेन क्रमशः स्टेशन ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ प्रारंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन का 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, ए और बी की के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिए, तुरंत ए और ए अनुपात बी तुरंत निकाल लीजिए, ए की चाल कितना है 50, बी का चाल कितना है 60, चूंकि ये चाल है, ठीक है ना। अब देखिए चाल है, ये हमें क्या दे रखा है, दूरी, ये हमें क्या दे रखा है, दूरी, ये हमें क्या दे रखा है, दूरी, सॉरी, ये हमें क्या दे रखा है, दूरी। तो दूरी हमेशा इक्वल में ही होता है, दूरी हमेशा कहाँ होता है, इक्वल में ही होता है। देखिए यही तो होता है कि चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो देखिए चाल के इक्वल में क्या है, दूरी, राइट, इसलिए हम उसको इक्वल में डायरेक्ट लेंगे। और कितना दूरी अधिक, 150, तो 50 से 60 घटा दीजिए कितना, 10, 10 के बराबर 120, 0 0 कट गया, 1 के बराबर 12। अब इस 12 का पहले वाले में गुणा करेंगे, ये ए है ना, तो 12 का 50 में गुणा, 12 पंजे 60, यहाँ पे लिख दे 600, इसमें गुणा कर दें 12 का किस में, 60 में, तो 12 6 72 720। अगर हमसे पूछे, हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी, तो देखिए 600 मीटर ये किलोमीटर और 720 किलोमीटर ये, 600 और 720 कितना हो गया, 1320 किलोमीटर क्या आ गया, दूरी। अगर हमसे ए की दूरी पूछता तो हम बताते 600 किलोमीटर, बी की दूरी पूछता तो बताते 720 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए।
क्लियर। तो दोस्तों मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको रेशियो मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करिए, वीडियो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप वीडियो भगा भगा करके बार बार देख रहे हैं, ठीक है ना, उससे आपका लॉस होगा। वीडियो भगाइए मत, मत देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे हैं ना आप। और एक बात समझिए और, कि पढ़ाई हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तभी हम सक्सेस होंगे लाइफ में। और लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज का हमारा क्या समय चल रहा है कि हम टिकटॉक पे समय पास कर दे रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, देन सारी चीज़ें, जो मतलब जो चीज़ें हमारी लाइफ नहीं बना सकती, हम उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से हमारा टाइम बचा करके पढ़ने का समय है, वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरी आपसे ये आग्रह निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि हमारा और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है ना, ठीक है ना। धन्यवाद।